सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सुपर ट्रेड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज के जो वीडियो होगा ये यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ये मैं अपना एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप देखें कि मैं कैसे आपको फिबो लगाकर एक बहुत अच्छा सेटअप देने वाला हूँ, जो सेटअप मैक्सिमम डे वर्क करेगा। और जब ये सेटअप बनेगा तब आपको 100% एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा और SL हिट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और आपको देखना है ये सेटअप कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये सेटअप सिंपल सा मैं फिबोनाची के ऊपर बनाए हूँ और फिबोनाची कौन कौन सा लेवल मैं यूज करूंगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो आप लेवल देख सकते हो, यहाँ पे 0.6 का रहेगा, 0.5 का रहेगा, 0.3 का रहेगा, ठीक है। ये तीन अपना लेवल रहेगा, बाकी सबको आपको हटा देना है, ठीक है, आप समझ गए। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं ज़्यादा वीडियो में टाइम पास करता नहीं हूँ। मेरा वीडियो मैक्सिमम 8 से 10 मिनट का होता है, कोई कोई वीडियो बड़ा हो जाता है, और मैं ट्राई करता हूँ कि उसी में सब कुछ बता देने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी बताना चाहूँ कि इसमें क्या करना है, तो सिंपल सा आपको फिबो यूज करना है। कब करना है आपको? 9:15 के कैंडल से लेकर 12:30 के कैंडल तक, ठीक है। ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, आपको नोट कर लेना है। 9:15 कैंडल से लेकर 12:30 का कैंडल तक आपको मार्क करना है, मतलब कि हाई लो इसका मार्क करना है। 9:15 से 12:30 तक, मतलब मार्केट ओपन से 12:30 तक का जो भी हाई होगा लो होगा आपको मार्क करना है, फिबो लगाकर ऊपर नीचे आपको मार्क कर देना है। और उसके बाद जो भी लेवल निकलेगा फिबो का, वहां पे जब भी मार्केट आएगा सपोर्ट लेगा आपको कॉल बाय करना है, रेसिस्टेंस लेगा आपको पुट बाय करना है। बहुत सिंपल सा सेटअप है और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोला। एग्जांपल समझो कि यहाँ पे था 9:15 का कैंडल, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे जो लो बना है यहाँ पे हाई बना, ठीक है, यहाँ मैं हाई लिख देता हूँ, यहाँ लो लिख देता हूँ। ये है 12:30 का कैंडल, मैंने हाई लो मार्क कर दिए और मार्केट कहीं यहाँ पे अभी है, ठीक है, यहाँ पे है। मान लीजिए कि अभी बज रहा है, मान लीजिए 1:30 बज रहा है, अभी मार्केट इसके ऊपर है, तो जब इसके ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेगा मार्केट तो वन साइड बहुत तेज यहाँ से मोमेंटम देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बस रूल में बता दिया हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं जो देखा हूँ चार्ट पर वही बता रहा हूँ, और ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो में शुरू करता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 4 तारीख का चार्ट, ठीक है, 4 जनवरी का चार्ट है। मैं 9:15 का कैंडल पे चलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं 9:15 का कैंडल देखता हूँ, यहाँ से मैं फिबो ले लिया हूँ, ठीक है, 9:15 ये कैंडल है। इसके बाद मार्केट ने हाई कहाँ लगाया? यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, मतलब 9:25 से मार्केट हाई लगाया, 9:25 के हाई पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आया, मैं देखा 12:30 कहाँ पे है, 12:30 ये है, ठीक है, ये कैंडल है 12:30, मतलब 12:30 से पहले लोग कहाँ लगा है, यहाँ पे लो लगा है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क करने के बाद मैं इसे एक्सटेंड करूंगा रीजन को, यहाँ पे लो मार्क करके मैं एक्सटेंड किया। अब देखिए ये मैं हाई लगाया हूँ 9:25 का और ये मैं लो लगाया कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो 12:15 का, 12:15 का, ठीक है, क्योंकि 12:55 मार्केट खुला, 9:25 में मार्केट ने एक हाई बनाया और 12:30 से पहले मार्केट ने 12:15 में एक लो बनाया, ठीक है। तो हमने लो हाई मार्क किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, एग्जैक्ट अपने लेवल से मार्केट रिवर्सल दिखाया और बड़ा मूव हमें दिया है पुट की तरह, ठीक है। आपको समझ में आया लेवल कैसे वर्क कर रहा है? जब भी ये सेटअप नहीं बनेगा, कैंडल यहाँ नहीं पहुंचेगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल सा रीजन है। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट रहेगा तो पुट के लिए ही देखना है, अगर हो सके तो, ठीक है। इस दिन का हो गया, नेक्स्ट डे चलते हैं। जब सेटअप नहीं मिलेगा हमें नहीं करना है, बस बैठना है। यहाँ से फिर से फिबो लेता हूँ 9:15, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, फिर से 9:30, 9:30 से मैं लेता हूँ, कहाँ तक हमें लेना है, 12:30 तक, 12:30 यहाँ है, 12:30, ठीक है। इसका लो तक अगर मैं लेता हूँ, कोई भी कैंडल यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई भी कैंडल यहाँ का टच नहीं किया, लेकिन मार्केट इसके नीचे है, तो मैं क्या बोला, आपको पुट के लिए देखना है। तो अगर पुट के लिए देखते तो यहाँ पे आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी पुट में मिल सकता था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। वन साइड मोमेंटम रहेगा तो थोड़ा ट्रेड कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो बड़ा ट्रेड मिलेगा,
ठीक है, 12.5 कैंडल ये है 12.5 कैंडल ही लो बनाया हुआ, तो यहाँ पे मैं लो मार्क करके एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख लो, यहाँ आप देखो 12.5 कैंडल इधर था और ये कैंडल हाई यहाँ था, हाई इधर लो इधर, मैं मार्क किया एग्जैक्ट, आप देखो पिन पॉइंट एग्जैक्ट मार्केट यहीं से वन साइड मोमेंटम दिया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग प्लीज लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अब चलिए मैं नेक्स्ट डे देखता हूँ, 9 तारीख को, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया है और 12:30 से पहले, ये है 12:30 कैंडल, तो इससे पहले मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया था 11:55, इसे मैं एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये क्या हुआ, अपने लेवल पे मार्केट आया, अपने लेवल पे मार्केट आके यहाँ पे क्या किया, फॉल्स ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया। ठीक है, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, आप देख रहे हो कि हमारा लेवल था इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे गया नहीं, लेवल को रिस्पेक्ट करके फाइनली मार्केट ऊपर ही गया। तो यहाँ पे अगर आपका एसएल भी होता तो यहाँ पे आप एंटर करके आप इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करके एसएल यहाँ पे कट कर सकते थे। अब नेक्स्ट डे पे आता हूँ, 10 तारीख को, 10 तारीख को भी मैं हाई मार्क कर दिया हूँ और 12:30 ये कैंडल है, इसके लो को मैं मार्क कर देता हूँ, कोई कैंडल इसके पास नहीं पहुंचा उसके बाद, मतलब कि ये स्ट्रेटजी जो है वो आपको 12:30 के बाद ट्रेड देगा। ठीक है, पहले कौन सा देगा उसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, 12:30 के पहले कौन सा देगा, ये 12:30 के बाद आपको ट्रेड देगा। ठीक है, 12:30 के बाद आपको ये स्ट्रेटजी रोज ट्रेड देगा अगर ये कैंडल टच करेगा वहां। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये लो बना 9 पीस का, 12:30 कैंडल ये है, इससे पहले हाई यहाँ पे है, इसका हाई में एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। ठीक है, ये हाई बना था तो इसका हाई, ये लो, ये हाई में एक्सटेंड किया, आप देखो यहाँ पे तो आपको ट्रेड मिला है, कितने बजे आपको ट्रेड मिला, ये 2 बजे ट्रेड मिला और वन साइड मोमेंटम आपको कॉल की तरफ यहाँ पे मिला है। ठीक है, इस दिन देखते हैं, यहाँ पे है 9:40 का कैंडल हाई बनाया है और 12:30 से पहले लो कहाँ पे है, 12:30 का कैंडल ही लो है, सॉरी 12:30 किधर के, ठीक है यहाँ पे, तो मतलब लो यहाँ बनेगा, इसको मैं एक्सटेंड किया, देख लो कितना पिन पॉइंट काम कर रहा है, ये था अपना लो और इधर था अपना हाई, एकदम पिन पॉइंट पे मार्केट आता है और फॉल करता है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल आप देख रहे हो, एकदम एग्जैक्ट लेवल आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट दिन देख लो आप, मार्केट यहाँ से नीचे आया, 12:30 कहाँ पे है, 12:30 यहाँ, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर इसके लो तक मार्क करना है, कोई भी कैंडल यहाँ नहीं आया, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कहाँ गया, अगर यहाँ पे अगर आप पुल बैक देखते तो यहाँ पे आप छोटा ट्रेड बन सकता था, लेकिन वहां पे आया नहीं, इसके ऊपर था तो आप कॉल देख सकते थे जैसे मैंने पहले बताया। अब 16 तारीख को मैं आता हूँ, यहाँ से मैं हाई ले लिया फर्स्ट कैंडल का, 12:30 कैंडल कहाँ गया, ये है यहाँ तक मार्केट, जहाँ लो लगाया होगा मतलब इसी कैंडल का लो लगाया, तो इसके लो तक मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं हाई लिया और मैं यहाँ पे लो लिया, ठीक है इधर लो लिया और यहाँ पे पिन पॉइंट एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, बस आप लोग ध्यान रखो कितना अच्छा ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा। और किसी के चैनल पे अगर ये वीडियो आपको मिले तो प्लीज मुझे बताना, आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला। ये था मेरा लो, 12:30 कैंडल मेरे पास ये है, ये है, तो यहां तक मेरे को हाई मार्क करना है, मैं हाई मार्क कर दिया, अब मैं दिखा देता हूँ, ये था लो और ये था हाई। ठीक है, मैं मार्क किया, 12:30 के बाद हमें ट्रेड करना है, 12:30 के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आके ऊपर गया, अपने लेवल पे टेस्ट किया, वन थर्ड बूम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं, यहां तक नेक्स्ट डे 18 तारीख को, यहाँ पे
सावनों का कैंडल इसके नीचे ये है, यहाँ पे हमने लिया लो, और 12:30 से पहले हाई अपना ये होगा, तो इसका हाई मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, हमने मार्क किया। आप देख लो एंट्री कितना एग्जैक्ट पिन पॉइंट ये काम किया, इस दिन भी प्रॉफिट आपको दिया मार्केट ने। नेक्स्ट दिखाता हूँ, साढ़े बारह कहाँ गया अपना, 12:30 का कैंडल ये है, ये कैंडल है, मतलब इससे पहले लो कहाँ पे है, यहाँ पे, हाई कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये हाई और ये लो को मैं एक्सटेंड करूंगा, ये हाई और ये लो, इसे मैं एक्सटेंड किया। 12:30 के बाद आपको ट्रेड करना है, आप देख लो फॉल। ठीक है, और ये मैं कुछ बैक टेस्ट करके वैसा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो कुछ है आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं कुछ पीडीएफ बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं लो लिया हूँ 12:30, ये है, उससे पहले हाई कहाँ लगाया मार्केट, यहाँ पे लगाए 10:40 का कैंडल, 10:40 को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख लो सपोर्ट, मार्केट आया इसी के बीच में फंस कर रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन होता है, क्या मार्केट इतने बड़े गैप अप में काम करता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। मार्केट का ये लो लगा फर्स्ट कैंडल कहीं, अब 12:30 में खोजना है, 10:35 यहाँ मतलब ये है, 12:35 मतलब हाई अपना ये रहेगा 9:55 का, 9:55 का हाई पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, 9:55 का हाई पे मार्क करने के बाद आप देख लो क्या स्ट्रेटेजी, जब भी अपने लेवल पे जाएगा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसे 100% मिलेगा। फिर से मैं यहाँ चलता हूँ, ये होगा 9:35, 9:35 कैंडल को मैंने हाई मार्क किया। ठीक है, 12:30 का लो, इसका लो को मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पर कोई भी कैंडल नहीं आया, इससे मार्केट नीचे था, मतलब आपको पुट का ट्रेड लेना था, अगर टच करता तो और अच्छा ट्रेड मिलता है। अब इस दिन देखते हैं क्या इतना बड़ा फॉल में हमें ट्रेड मिला या फिर नहीं मिला। ये हाई 12:30, ये मतलब ये लो, लो को मैंने मार्क किया यहाँ पे, जस्ट मार्केट वहां किया, टच नहीं किया, लेकिन फिर से मार्केट वहां से फॉल किया। ठीक है, इस दिन भी आपको सही ट्रेड मिला लगभग। ये हाई ये 35 है, मतलब यहां तक का मैं लो लिया, यहाँ ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं, 30 तारीख को, 30 जनवरी को, ये अपना लो हो गया, 12:30 का हाई अपना यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हाई को मैं ले लिया। ठीक है, हाई को मैं लिया, मार्केट जब यहाँ पे आया 12 बजे रेसिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, जब मार्केट ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद देखो ये सपोर्ट कहाँ पे दे रहा, अपने लेवल पे ये सपोर्ट दे रहा, रेसिस्टेंस कहाँ पे दिया था, अपने लेवल पे रेसिस्टेंस दिया था। बस आपको एक ही चीज करना है कि जो 15:45 से लेकर 12:30 के बीच में हाई होगा लो होगा उसे मार्क कर देना आपको। ये मैं लो को यहाँ मार्क किया हूँ और 12:30 तक का हाई में खोजता हूँ, 12:30 का कैंडल ये हाई है, मतलब इसका हाई ये कैंडल रहेगा 12 बजे का, ये दोनों को एक्सटेंड कर दिया। देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट मार्केट यहाँ से बुलिस। 1 फेब को मैं पूरे महीने का मैं आपको चार्ट दिखा दिया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये मैं ले लिया हूँ लो 12:30, 12:30 कैंडल ये है, मतलब 12:30 का ही हाई रहेगा, ये हो गया हाई, मतलब ये लो और ये हाई। ठीक है, सॉरी ये हाई, ये हाई, ये लो, दोनों में मार्क किया। ये देखिए यहाँ पे अपने ही लेवल में मार्केट सपोर्ट थोड़ा सा दिखाया और उसके बाद मार्केट फॉल किया, फिर से उसी जोन को रिटेस्ट किया और मार्केट वन साइड नीचे। चलिए अब नेक्स्ट डे देखते हैं, 2 फेब को, यहां से मार्केट आता है, लो लगाता है, 12:30 कैंडल यहाँ है, मतलब हाई अपना ये रहेगा 9:40 का कैंडल, 9:40 कैंडल के हाई को अपन मार्क करेंगे, मार्केट अपने लेवल से ऊपर,
नेक्स्ट डे देखते हैं, 3 फेब को। यहां से हमने मार्क किया, लो यहां पे रहेगा, लो को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। 12:30 बजे के बाद हमें ट्रेड मिलेगा, मतलब कि मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए पुल बैक दिया, यहाँ पे एंट्री दिया और वन साइड मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखाया, सही है। नेक्स्ट देखिए, 6 तारीख का चार्ट, डे हाई यहाँ था, डे लो अपना ये रहेगा 10:55 का, ठीक है। 10:55 का डे लो से आप एक्सटेंड कर दो, देख लो आप लेवल कितना चाहिए रिस्पेक्ट कर रहा हो। अब 7 को आते हैं, डे हाई ये रहेगा, 12:30 यहाँ है तो 12:30 का ही लो लगेगा, भी आप लेवल देख लो, एग्जैक्ट लेवल काम कर रहा है, एग्जैक्ट लेवल। ये समझ जाओगे कोई अपने प्रीमियम ग्रुप में भी, प्रीमियम कोर्स में भी आपको ये सब चीज नहीं पढ़ाएगा जो मैं यहाँ पे यूट्यूब में फ्री में बता रहा हूँ आप लोग। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, 8 तारीख है, यहाँ मार्केट का हाई लगा, 12:30 से पहले लो यहाँ पे है, इसे मैं मार्क कर दिया। अब देख लो आप एग्जैक्ट लेवल से मार्केट नीचे आता है। नौ तारीख पे चलते हैं, 9 तारीख का फर्स्ट कैंडल का हाई ही हाई है डे का, और ये लो रहेगा अपना 9:40 का कैंडल, इसे मैं एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड किया आपके सामने। 12:30 बजे के बाद हमें ट्रेड मिलेगा, मार्केट कंसोलिडेट ऊपर, रिटेस्ट, मार्केट बुलिस, ठीक है। यहाँ एक्सटेंड होगा, आपको समझ में आ रहा, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर बुलिस हुआ। ये 10 फेब का चार्ट है, 10 फेब में भी देख लेते हैं लास्ट डे का चार्ट, लो लग गया अपना 12:30 कैंडल का है यहाँ पे, इससे पहले हाई कहाँ मार्केट लगाया 10:50 में, 10:50 के हाई पे मैं मार्क कर दो, मार्केट अपने लेवल को रेस्पेक्ट किया और मार्केट दिन भर इसी लेवल में रहा 12:30 के बाद, और इसलिए मार्केट पूरा साइड भी था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।